अगर आपके फ्रिज में पालक है और आपको कुछ बहुत ही टेस्टी और अच्छा सा हेल्दी सा खाने का मन कर रहा है तो ये मेरी रेसिपी आपके लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि ये बहुत ही कम चीज़ों के साथ बन जाएगी और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बनेगी। इसका नाम है लहसुनी पालक। और इसके लिए इंग्रेडिएंट में चाहिए पालक, लहसुन, टमाटर, प्याज, बस इतना ही, और थोड़ा सा तेल ऑफकोर्स सॉटे करने के लिए। तो मैंने इसके लिए ले लिया है पालक, आधा किलो पालक मैंने लिया है। इसकी डंडियां निकाल के अलग कर देनी है, बहुत ज़्यादा डंडियां नहीं निकालनी है, क्योंकि इस तरह की सब्ज़ी में, मतलब लहसुनी पालक में, डंडियां थोड़ी सी आती हैं तो क्रंची और अच्छा फ्लेवर देती हैं। तो कच्ची कच्ची डंडियां आप रख लीजिए। अच्छा, ये मैंने इसमें थोड़ा सा गर्म पानी लिया है और उसमें अपने क्लीन और धो के रखे हुए पालक को 5 मिनट के लिए डिप करके रख दिया है, यानी कि ब्लांचिंग, जिसे आप ब्लांचिंग कहते हैं, ब्लांचिंग के लिए मैंने 5 मिनट के लिए इसे गर्म पानी में डुबो कर रख दिया है। जैसे ही 5 मिनट हो जाएंगे मैं इसको निकाल लूँगी, और निकाल के आइस्ड वाटर में, मतलब एक पानी का बर्तन लेना है, उसमें बर्फ निकाल के डालनी है और उसमें अपना ये ब्लांच किया हुआ पालक मिक्स कर देना है। इसका फ़ायदा ये है कि जो पालक का कलर है ग्रीन, वो इधर उधर नहीं होगा और कलर उसका बहुत अच्छे से बैलेंस्ड रहेगा। न्यूट्रिशनल वैल्यू भी इसकी बची रहेगी, अगर ये ज़्यादा देर तक गर्म पानी में नहीं रहेगा तो न्यूट्रिशनल वैल्यू भी इसकी बची रहेगी। तो बस आपको ये जो आपने ब्लांच किया हुआ है पालक, उसको निकाल कर इस आइस वाटर में डाल देना है और ऊपर नीचे कर देना है ताकि इसका टेम्परेचर प्रॉपर आ जाए और पालक की ओवर कुकिंग ना हो। जैसे ये ठंडा हो गया है हम इसे निकाल कर एक मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसे स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। स्मूथ तो ये नहीं बनेगा, थोड़ा सा इसमें, क्योंकि पत्तियाँ डंडियाँ भी थी, तो आप ध्यान रखिए ये बहुत स्मूथ नहीं बनने वाला है, थोड़ी सी इसमें आना भी चाहिए क्रंच। बस फिर इसमें हमें कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल ले लेना है, उसमें हम डालेंगे राई, 1 चम्मच राई, 1 चम्मच जीरा, जीरा क्रैकल होने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 बे लीफ, सिनेमन, जावित्री, बड़ी इलायची और थोड़ी सी लौंग। फिर डालेंगे इसमें हरी मिर्च, एक हरी मिर्च बारीक चॉप की हुई, और बारीक चॉप किया हुआ प्याज। इसे थोड़ा सा सॉटे करना है, जब प्याज अपना कलर चेंज करना शुरू कर दे तब तक हमें इसे सॉटे करते रहना है, इसे कुक करना है प्याज को। प्याज कुक हो जाएगी तो हमें इसमें सॉटे करने हैं 8 से 10 कैश्यू, यानी कि काजू। डाल दीजिए इसमें हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, सब्जी मसाला और कर दीजिए मिक्स। जब मसाला कुक हो जाए आपका, तब हम इसमें डाल देंगे चॉप किए हुए टमाटर। आप इसे पेस्ट के फॉर्म में भी डाल सकती हैं, मैंने चॉप करके डाला है। टमाटर चॉप करिए, ऊपर से नमक थोड़ा सा स्प्रिंकल करिए और ढक कर कुक कर लीजिए अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 मिनट, तब तक कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे आपके। एक बार मिक्स करके देख लेते हैं, टमाटर पक चुके हैं, देखिए तेल भी छोड़ना शुरू कर दिया है बीच में। अब हम इसमें डाल देंगे अपना पिसा हुआ पालक, उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी तक हमने इसमें लहसुन का यूज नहीं किया है, लहसुन का हम ऊपर से लास्ट में इसमें तड़का देंगे ताकि उसकी अरोमा, उसकी जो फ्रेग्रेंस है लहसुन की, वो इसमें प्रॉपर रहे। मिक्सी के जार को धोकर मैंने थोड़ा पानी निकाल लिया है और उसे भी इसी में डाल दिया है, क्योंकि थोड़ा सा पानी हमें कम लग रहा था। मिक्स कर लीजिए अच्छे से और 5 मिनट कुक कर लीजिए। इसे ढककर कुक करिए, ढककर कुक नहीं करेंगे तो ये ऊपर से उछलना शुरू होगा और आपके किचन को डिजाइनर किचन बना देगा। तो बस इसे कुक करने रख दीजिए और दूसरे साइड पे तड़का पैन में आप घी गरम करिए। घी अप्रॉक्सीमेटली 2 चम्मच, ध्यान रखिएगा 2 चम्मच रहे। और फिर हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च, सूखी वाली, साबुत वाली, और साथ में लहसुन। अप्रॉक्सीमेटली 1 पूरा गांठ लहसुन का है ये, तो क्योंकि लहसुन ही पालक है तो लहसुन का कंटेंट थोड़ा ज़्यादा रखना ही पड़ेगा।
साथ में डालिए हींग और ये तड़का डालिए ऊपर से। आप चाहे तो इसको रेडिश देने के लिए फ्लेवर आप ऊपर से लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, लाल मिर्च पाउडर। इसे बस मिक्स करिए और हमारा ये लहसुनी पालक रेडी हो गया है सर्व करने के लिए। बहुत ही अच्छी और टेस्टी सी लहसुन की अरोमा इसमें से आ रही है। हम इसे सर्व कर लेंगे। इसे हम बटर नान के साथ, नान के साथ, तवा रोटी के साथ या फिर पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने इसे राइस के साथ भी खा के देखा है और ये बहुत अच्छा, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट देता है चावल के साथ भी। बहुत अच्छी सब्जी बनी है और बिना पनीर की भी पालक बहुत अच्छा बन सकता है और बहुत ही टेस्टी बना है। इसे बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए कि ये आपका कैसा बना और आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसमें और क्या मुझसे किस तरह के वीडियो और चाहते हैं ये भी प्लीज़ कमेंट में मुझे मेंशन करिए। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलती हूँ आपसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए खाइए, पीजिए, खुश रहिए, मज़े करिए। बाय बाय।